या तो वो मर जाएगी या मैं। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं ना कि ये बात ठीक हो जाए। साहब जी ने जिस तरह शर्ट खुद धोकर सूखने डाली हुई थी ना, उससे तो यही लग रहा था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। इसीलिए तो नाश्ते के वक्त भी नजरें नहीं मिला रहे थे। पर मुझे अब इससे आगे का प्लान फौरन सोचना होगा। सिर्फ इतने से तो इस महल की रानी नहीं बनने वाली रूही। तो इकबाल एक काम करो, जाओ और बाहर से जाकर कुछ नाश्ता लेकर आओ। तो उस्ताद खाला घर पे नहीं है क्या? नहीं, रूही की तरफ गई हूँ। तो उस्ताद नाश्ते के साथ मिठाई का डब्बा भी मंगवा लेना। कैसे मौका परस्त इंसान हो तुम, चलो जाओ। उस्ताद वो फीका बता रहा था कि आप रात को 3 बजे तक दुकान पर काम कर रहे थे। हाँ कर रहा था भाई, मेहनत करनी है, पैसे कमाने, शादी करनी है। हाँ मेहनत के बाद जीत तो है उस्ताद। ठीक है मैं नाश्ता लेकर आता हूँ और साथ में रबड़ी भी लेकर आता हूँ, फिर उस्ताद और शागिर्द दोनों साथ बैठ के खाएंगे। जाओ लेकर आओ और जल्दी आना, फिर अम्मी को लेने भी जाना है। ठीक है उस्ताद।